ये हो गई तुम्हारे लिए स्क्रीन शेयर, दिख रहा है कि नहीं? यस चलो भाई शुरू करो। स्टडी मैट के अकॉर्डिंग ही करेंगे क्योंकि आप लोग को ज्यादा डिटेल्ड में आईबीसी है, इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट वाइज सीख लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी तुमको बिल्कुल भी। ठीक है, एक एक कंसेप्ट सिखा दे रहा हूँ, समझ लो। देखो हमारा लॉ जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, पहले तो सवाल ये है कि आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब पता है कि नहीं पता है। पहला सवाल तो ये है कि आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मतलब पता भी है कि नहीं पता है, हाँ या ना? जस्ट सर दिवालिया। हाँ, तो फिर क्या फर्क आया दोनों में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में? समझना है जो दिख रहा हूं मैं, मेरी बात को समझो। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, स्टेट माने सिचुएशन, क्या सिचुएशन? सिचुएशन वेयर द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, पर्सन में सब आ जाते हैं, कंपनी से लेकर इंडिविजुअल सबको ही आ जाते हैं, पर्सन एक्सीड्स हिज एसेट्स। एक ऐसी सिचुएशन या एक पर्सन की लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है, उसे इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। आप बताइए इस बात में कोई तकलीफ है क्या? No. नहीं। दूसरा वर्ड है बैंक्रप्सी, क्या बैंक्रप्सी एक स्टेटस होता है? क्या होता है? स्टेटस ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट। इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, एक सिचुएशन है, और बैंक्रप्सी एक स्टेटस है। पहले तो इस बात को दिमाग में बिठाओ। आज आप एक बिजनेस चला रहे हो, जब ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जा रही है और एसेट कम पड़ जा रही है, तो आपकी बिजनेस इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में पहुंच चुका है। अब अगर आपको अपने बिजनेस को बंद करवाना है या अपना दिवाला निकलवाना है, तो आपको एक स्टेटस देना होता है, उस स्टेटस को बैंक्रप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप पहले ये बताओ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? यस सर। ठीक, अब होता क्या था हमारे, समझ आया संदीप? समझ आया प्रज्वल? समझ आया इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंक्रप्सी क्या है? अब क्या था, हमारे देश में सिस्टम ये हुआ करता था कि पहले ना इस चीज को बहुत बुरा माना जाता था कि यदि कोई इंसॉल्वेंट हो जाए या बैंक्रप्ट हो जाए तो ये बहुत बुरी बात मानी जाती थी, बदनामी होती थी बहुत ज्यादा इससे। ठीक है, और लोग ना इस बदनामी के चक्कर में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करके भाग जाते थे, बोलते थे नाम ना खराब हो, तो विजय माल्या यही सब चक्कर में तो देश से भागे हैं। ठीक है, क्या होगा अगर ये अपने आपको इंसॉल्वेंट बता देते ना, तो बहुत बदनामी होती, गुडविल खराब हो जाती, तो आगे कभी स्टैंड नहीं हो पाते थे। प्लस दूसरी चीज, हमारे यहाँ कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के लिए। जैसे अगर आप एक आम आदमी हो, अब आप अगर इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट हो गए हो, तो आपको कोर्ट में अप्लाई करना होता था। कहाँ अप्लाई करना होता था? कोर्ट में। अब यहाँ पे बड़ा डिस्प्यूटेड था क्योंकि कोर्ट के पास कोई एडिक्वेट मेजर नहीं था आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप एक कंपनी हो तो आपको तो इंसॉल्वेंसी में वेरियस लॉज में आ जाते थे, आपसे एक इंडस्ट्रियल एक्ट लगता था, सरफासी लॉ लगता था, मल्टीपल लॉज थे कंपनियों का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए, तो बहुत लंबे प्रोसीजर चलते थे और फीस भी बहुत ज्यादा लगती थी। तो हमारी सरकार ने क्या किया, जैसे जीएसटी लाया ना इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के क्या कर दिया, जीएसटी कर दिया। सही बात है, गलत बात है? Yes. वैसे ही अभी क्या कर दिया है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति या कंपनी इंसॉल्वेंट हो या वो अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर करवाना चाहे, तो सिंपल उसे एक लॉ बस फॉलो करना होगा और उस लॉ का नाम है आईबीसी 2016। कौन सा लॉ? आईबीसी 2016। अब ये लॉ क्या करता है, सिस्टम सिखा दे रहा हूं ताकि तुम लोग को एक बार में ये चीज दिमाग में बैठ जाए। जैसे यार प्रज्वल लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसको लग रहा है कि अपनी डेप्थ नहीं पे कर पाएगा। क्या नहीं पे कर पाएगा?
डेप्थ नहीं पे कर पाएगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ क्या करना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाके अप्लाई करना है। किसके पास अप्लाई करना है? अब आप पूछोगे कौन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो मैं बोलूंगा एनसीएलटी। कौन है एनसीएलटी? एनसीएलटी के पास जब तुम जाओगे और ये बताओगे कि तुम अपने डेप्थ नहीं पे कर पा रहे हो, तो एनसीएलटी क्या करेगा, तुम्हारा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चालू करा देगा, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। बेटा ये प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी डेप्थ है ना, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है, उसको पे करने का एक प्लान बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? प्लान बनाया जाएगा। क्या होगा, जैसे आपकी लाइबिलिटी पे हो जाएगी ना, तो जैसे शांति से आप बिजनेस किया करते थे, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बंद होने की नौबत नहीं आएगी। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है, ठीक है, CIRP, इसमें आपकी लाइबिलिटी को पे करने के लिए प्लान बनाते हैं, और इस प्लान को रिजोल्यूशन प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन प्लान मतलब कैसे, तो आपके सारे डेब्ट्स को पे करवा दिया जाए, ठीक है। अब ये रिजोल्यूशन प्लान अगर बन गया ना, तो मान के चलो आप अपने कर्जा मुक्ति कर दोगे। एक इतना अमाउंट बता दिया जाता है जो आपको पे करना है, जो आप शांति से पे कर सको। तो ये रिजोल्यूशन प्लान बनाने में आपकी मदद करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। कौन मदद करते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये आपकी मदद करते हैं, ठीक है। ये कौन है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं? प्रज्वल लिमिटेड डेप्थ नहीं पे कर पा रहा है, तो उसको अप्लाई करना होगा किसके पास? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है हमारे देश में अभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में? एनसीएलटी है कंपनियों के लिए। ये बात समझ आई? जब आप इसके पास जाओगे तो ये बोलेगी कि आप आपका पूरा इंसॉल्वेंसी का मैटर कंप्लीट करो। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जैसे अपन वाइंडिंग का प्रोसीजर पढ़ते हैं ना, वैसे इंसॉल्वेंसी के लिए CIRP होता है। क्या होता है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। यहाँ पे आपके लायबिलिटी को पे करने का प्लान बनाया जाता है, जिसको रिजोल्यूशन प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। जैसे वाइंडिंग अप पे लिक्विडेटर होते हैं ना, यहाँ पर कौन होते हैं आपकी मदद के लिए? यहाँ पर कौन होते हैं आपकी मदद के लिए? ये भाई आपका पूरा ये रिजोल्यूशन प्लान बना के देते हैं। और कंपनी को एक काम और करना होता है, एक कमिटी बनानी होती है जो क्रेडिटर्स की होती है। किसकी कमिटी होती है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इसको शॉर्ट में COC बोलते हैं। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर इस प्लान को पढ़ती है कि सही में हमारी डेप्थ प्रॉपरली सेटल हो रही है कि नहीं, क्योंकि कर्जे हैं किसके? क्रेडिटर्स के ही है। तो इनकी कमिटी बना दी जाती है और ये देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रॉपरली रिजोल्यूशन प्लान बनाया है कि नहीं, मतलब इनकी डेप्थ पे भी करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। कितना क्लियर है? सिर के ऊपर से गया कि क्लैरिटी है? ईमानदारी से बोलो यार, पहले सिर के ऊपर से गया कि क्लैरिटी है ये बता दो। सर कमिटी बाद में बनता है ना, पहले इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान बनता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्लान बना देता है, साथ साथ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का गठन कर दे, मतलब उसके यहाँ जो क्रेडिटर्स हैं उनको मिलाकर वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बना दे। अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर इसके प्लान को अप्रूव करती है, क्यों? क्योंकि इन्हीं की डेप्थ सेटल करनी है ना क्रेडिटर्स की, तो ये लोग देखते हैं कि जो प्रोफेशनल ने प्लान बनाया है ये सही है कि नहीं है। बताओ कितना समझ आई मेरी बात? आगे सुनो, ये सारा मैटर जो है 180 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। कितने दिन में? 180 दिन में पूरा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस तुम्हारा हो जाना चाहिए, मतलब ये क्रेडिटर्स की पूरी लायबिलिटी वायबिलिटी पे हो जानी चाहिए। और यदि 180 दिन में नहीं कर पाते हो, तो इसमें आपको 90 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है। क्या मिल सकता है? 90 दिन का एक्सटेंशन। और ये एक्सटेंशन आपको तभी मिलेगा जब 60% ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंसेंट देंगे।
कितना परसेंट कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंसेंट देंगे? 60%। तब ये 90 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। तो आप बताओ इन टोटल कितने दिन हो गए? अभी तक कहानी कितनी समझ आई ये बताओ यार, ये पूरे चैप्टर का सार है, ये पूरे चैप्टर का सार है। समझ आ गया क्या है चैप्टर, पढ़ना क्या है? सर कमेटी ऑफ क्रेडिटर को अप्रूवल देने के लिए भी कोई टाइम? ये तो है ना 180 दिन के अंदर पूरा काम होना चाहिए, रिजोल्यूशन प्लान भी बनेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूवल भी देगी सब चीज। ये जब एनसीएलटी ऑर्डर दे देगा ना, पूरा प्रोसेस कैरी करने का, उसके 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए सब कुछ। यस सर। ठीक है, ये टोटल टाइम लिमिट है आपकी। और नहीं कर पाए तो आपको कितना एक्सटेंशन मिल रहा है? 90 दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है। बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. क्या होता है, ये कंपनियों के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी है, और एक कॉमन मैन अगर है तो उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दूसरी होती है, जो एज में भी डिसाइडेड बाय लॉ होती है। क्या होती है? एज में भी डिसाइडेड बाय लॉ। एज में भी डिसाइडेड बाय लॉ होती है। हम आम आदमियों के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलग होती है, कंपनियों के लिए एनसीएलटी होती है। तो हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम बेसिकली कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आई? यस। कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं सर। नहीं, अब सुनो चैप्टर की थ्योरी कैसे करना है उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे जैसे आना, आप सबके स्टडी मटेरियल आ गया होगा तो बहुत अच्छा होगा, या आसपास ले लेना यार किसी से, क्योंकि कुछ चैप्टर मैंने स्टडी मैट्स आपको करवाए है ना, या उसका प्रिंट ले लेना जैसा भी ठीक लगे। ठीक है? Yes, तो देखो आईबीसी ना बहुत सारे मल्टीपल लॉज को ओवरलैप करके आया है, मतलब हटा के आया है। पहले हमारे देश में बहुत सारे इंसॉल्वेंसी के लॉज चला करते थे, उनको ये हटा दिया है। तो ये अपने को थोड़ा सा ना रटना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, कौन कौन से लॉज को हटाकर इंसॉल्वेंसी लॉ आया है भारत में? सबसे पहला ये याद रखना, चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, दूसरा पार्ट 6A, पार्ट 7 और सेक्शन 391 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे, सिक इंडस्ट्रीज लॉ। ठीक है, ये थोड़ा रटने वाला काम है, करना पड़ेगा। ठीक भाई सर, रीएविएशन वाला जो कट गया का क्या बताया था, वही वाला चैप्टर? एग्जैक्टली वही वाला चैप्टर। ठीक है, फिर सरफासी लॉ को भी हटा दिया गया है। सरफासी लॉ का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। क्या? सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002। फिर सीका को भी हटा दिया गया। सीका मतलब होता है सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट। फिर प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 और चैप्टर 13 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। इतने सारे हमारे देश में इंसॉल्वेंसी लॉ थे, सबको हटाकर एक लाया गया सिंपल सा। कौन सा लाया गया? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। कहीं कोई दिक्कत इसको लेकर मन में, इस बात में कोई दिक्कत? इसका बिल जो है ये ना, डेट्स पे भी क्वेश्चन आ सकते। थोड़ा जूम कर दूं क्या आपके लिए मैं? इसके लिए ना थोड़ा सा ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं आपको, कि गवर्नमेंट ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था नवंबर 2015 में। कब किया था? नवंबर 2015 में। इसके लिए कमेटी बनाई थी सरकार ने, बैंकरप्सी और रिफॉर्म कमेटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक, सारी रिकमेंडेशन मिलने के बाद फिर इसको क्या किया गया, फाइनली बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने पास करके बना दिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। क्या बना दिया? अब इसमें याद रखना, पहला अमेंडमेंट या चेंज आया था 23 नवंबर 2017 को। कब आया था पहला अमेंडमेंट? 23 नवंबर 2017। फिर आगे अमेंडमेंट आते रहे हैं, सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आया है वो याद रखो 23 सितंबर 2020 को आया है। कब आया है? 23 सितंबर 2020। पहला अमेंडमेंट याद रखना और आखिरी याद रखना जो लेटेस्ट आया है। तो पहला आया था 23 नवंबर 2017 को और लेटेस्ट आया है 23 सितंबर 2020 को। भाई बताओ, बात समझ आएगी सिर के ऊपर से? यस सर।
आ गई, अभी तक चैप्टर समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर आ गया। यस सर। अच्छा अब हम आते हैं आईबीसी के इंट्रोडक्शन पे। एक्चुअल में इसका प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल मतलब इसकी जो इंट्रोडक्टरी डिक्लेरेशन है या जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आईबीसी कोड का, जब आप इस लॉ को पढ़ना चालू करेंगे तो इनिशियली ये क्या क्या चीजें कहता है। अब दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला जितने इंसॉल्वेंसी लॉस थे उसको कंसोलिडेट कर देना। क्या कर देना? क्या कर देना? कंसोलिडेट कर देना मतलब मिला देना। पहले इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म और कंपनियों के सबके इंसॉल्वेंसी लॉ अलग थे, इसने उसे कंसोलिडेट कर दिया है, मतलब एक कर दिया है, ठीक है। दूसरा पूरी डेब्ट सेटलमेंट टाइम बाउंड मैनर में करवाता है। किसमें करवाता है? किसमें करवाता? टाइम बाउंड मैनर में करवाता है। देन एसेट्स का प्रॉपर वैल्यूएशन करवा के देगा ये लॉ, ठीक। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, ये बोलता है बिजनेसमैन को हम डेब्ट से छुटकारा दिलाएंगे ताकि वो बेहतर काम कर सके आगे जाके। जो डेब्ट नहीं के पे कर पा रहे उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी दिलवाता है। क्या दिलवाता है? Then, सभी के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है, हर स्टेक होल्डर के, ठीक है, मतलब किसी का भी नुकसान होने नहीं देगा। और एट लास्ट इस लॉ का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बॉडी बनाई जाए और उस बॉडी का नाम है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सी बॉडी बनाई जाए? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में इंसॉल्वेंसी का कोर्स चलाती है और इंसॉल्वेंसी के लॉज चलाती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT है जो केस वेस लड़ता है पूरा। और हमारे देश में इंसॉल्वेंसी के लॉज बनाना, उसके कोर्सेज चलाना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करना, ये सब कौन करेगा? IBBI करेगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ आई क्या मैं क्या बोला? यस सर। आ गई भाई, ये पढ़ दो ना, फटाक से पढ़ दो ना, इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ दो एक बार। हो जाए तो बताओ। हो जाए तो बताओ, समझ आ गया कि नहीं है? Yes, ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। ये सब आपको थ्योरी में पूछेगा तो उसी हिसाब से आप पढ़ोगे। अब तुम्हारी लायबिलिटी पे नहीं हो पा रही है तो ये रिजोल्यूशन प्लान बनाता है। क्या बनाता है? ये तो बताया हूँ, ठीक है। उतनी ही लायबिलिटीज को वैलिड मानता है जो जेन्युइन है। तो अपने आप क्या होता है, तुम अपनी एसेट से शांति से इन लायबिलिटीज को क्या कर पाते हो? चुका पाते हो। जैसे सपोज करते हैं yes, कर्जा 3,000 करोड़ का दिख रहा है, तो ये लोग जब रिजोल्यूशन प्लान बनाएंगे तो इसको ऐसा कुछ कर देंगे कि हटा के ये कर्जा 500 करोड़ पे आ जाए। कितने पे आ जाए? 500 करोड़। ये जो जेन्युइन लायबिलिटीज होती है वही पे करते हैं, तो अपने आप हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। हम शांति से उन सारी लायबिलिटीज को क्या कर पाते हैं? पे कर पाते हैं। मेरी बात समझ आई? यस सर। अब उसके बाद बारी आती है किस पर ये लॉ अप्लाई होता है। तो हर वो कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट में बनी है उन पर ये अप्लाई होता है। उसके बाद हर वो कंपनी जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनी है, एग्जांपल LIC हो गई, RBI हो गई, SEBI हो गई, इनको भी अगर अपना इंसॉल्वेंसी करवानी होगी, अपना डेप्थ रिजोल्यूशन करवाना होगा तो IBC में करवा सकते हैं लोग, ठीक है। इनको भी रिजोल्यूशन प्लान बनवाना होगा, कल को कर्जे वर्जे में डूब गए ना अगर ये लोग, तो ये लोग भी IBC जा सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes. उसके अंदर LLP भी लॉ में कवर होती है और अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स भी कवर होती है, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल भी कवर होते हैं। उसके बाद गारंटर लोग भी कवर होते हैं। मान लो कि मेरी कंपनी ने कहीं लोन लिया है और संदीप मेरा गारंटर है, अगर मैं डिफॉल्टर निकलता हूं तो कहीं ना कहीं संदीप के ऊपर भी लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर।
यस सर, संदीप भी आईबीसी में अप्लाई करवा सकता है कि भैया मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मैं बहुतों का गारंटर बना था, सबने मिलकर मेरे को डुबा दिया, ठीक है। फिर इसमें पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आती है और इंडिविजुअल्स भी आते हैं। कौन आते हैं? ठीक है, अब ये पढ़ के देखो कौन कौन इसके स्कोप में आते हैं, एक बार पढ़ लो। हो गया? यस सर। ओके, ये कोड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स पर अप्लाई नहीं होता। जितने भी हमारे देश में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पेंशन फंड, इन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। कोई तकलीफ? इन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। मतलब आईबीसी का लॉ बैंकों पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे, म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई नहीं होता। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ। किस पर होता है, किस पर नहीं होता, ये क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर, मतलब आरबीआई पे होता है सर, और ऐसे देखेंगे तो अगर हम लोग सोचेंगे इंडिविजुअल, तो बैंक एसबीआई पे नहीं होगा। एक बार रुक जा भाई, ये पार्लियामेंट्स बनी कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी में, चल इसमें क्लैरिटी से मैं लिख देता हूँ, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत सारी बॉडीज है जो पार्लियामेंट के थ्रू बनी है। CSPDCL हो गया, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर से बना है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, SECL हो गया। अब ठीक है, अब क्लैरिटी है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? कोई तकलीफ? समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। कुलजीत समझ आया बेटा? यस सर। अब तुम इसके पिलर्स पे, और कैसे चलता है हमारे देश में आईबीसी लॉ, तो ये फ्लो चार्ट जो है ना, इसी को मैं यहीं पे सिखा दे रहा हूँ ताकि बाद में डाउट ना आए। मेन दो हिस्से कर दोगे तुम इसके, एक हिस्सा कह जाएगा आईबीबीआई, क्या कह जाएगा? आईबी। और दूसरा कह जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एनसीएलटी है। ये क्या करेगा? पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस चलाएगा। क्या चलाएगा? रिजोल्यूशन प्रोसेस मतलब इंसॉल्वेंसी का निपटारा होता है। क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का निपटारा। इंसॉल्वेंसी के सेटलमेंट को रिजोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये आईबीबीआई जो है, ये क्या करेगा? टू मेक एन अमेंड लॉ। क्या? ये इंसॉल्वेंसी के लॉस बनाएगा और अमेंड करेगा। ये काम किसको सौंपा गया है? आईबीबीआई को। अब आईबीबीआई के अंदर तीन ऑर्गेनाइजेशन आती है। एक आती है आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। क्या आती है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। दूसरा आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, और तीसरे आती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तीन आती है, ठीक है। देखो पांच पिलर कैसे हुए, नंबर वन आईबीबीआई, नंबर टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर आईबीबीआई के अंडर क्या क्या आया? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब जैसे अगर आपको मैं बोलूं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्या है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स चलाती है। किसका कोर्स चलाती है? प्रोफेशनल। इनका सर्टिफिकेट मिलने पर ही जो है बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम कर सकते हो। मतलब किसी कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान बनाने से लेकर सारी चीजें कर सकते हो। तो जैसे हमारे जो तीन इंस्टीट्यूट है कॉमर्स में सबसे बड़े, ICAI, ICSI, ICMAI, हम तीनों ने ही क्या किया हुआ है, आईबीबीआई से लाइसेंस ले लिया है कि हम लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स चलाएंगे अपने मेंबर्स के लिए। मेरी बात समझ आई? यस यस। ठीक, तो समझ गए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन है कि नहीं समझे? यस सर। ठीक, अच्छा, अब दूसरे कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होंगे? ये वो मेंबर्स होंगे
जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर दिया है। किसका कोर्स कंप्लीट किया? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स कंप्लीट कर दिया। इनके पास सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर ये किसी भी बड़ी कंपनी का इंसॉल्वेंसी मैटर निपटा सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। तीसरा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होती है। ये बेसिकली ऐसे स्पेशलाइज पर्सन होते हैं जो इंसॉल्वेंसी रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज रखते हैं। क्या रखते हैं? अपडेटेड नॉलेज रखते हैं और ये प्रोफेशनल्स की भी हेल्प करते हैं और आईबीबीआई की भी समय समय पर नॉलेज दे देकर मदद करते हैं कि सर क्या लॉ में बदलाव लाया जा सकता है। उन्हें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बोला जाता है। अब आप बताओ, आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? Yes. आपको फिर मैं yes. बोलूं कि आपको क्लैरिटी है इसमें, ये बताओ पांच पिलर आपको समझ आ गए कौन कौन से कि नहीं है? आपको yes, पांचों पिलर समझ आ गए भाई? मेन क्या है? आईबीबीआई है। आईबीबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा रखा है कि इसमें एक चेयरमैन होगा। कौन होगा? चेयरमैन होगा और मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए? 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चेयरमैन होंगे प्लस मेंबर होंगे, 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपको मैंने बता दिया आईबीबीआई का काम, आपको समझ आया कि नहीं इसका काम क्या है ये बता दो। आपको इसका काम समझ आया कि नहीं आया? yes. अब एक बात बताओ, अगर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होते हो या आपको अपने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना है तो आपको आईबीबीआई के पास जाना है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाना है? आपको किसके पास जाना है? आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। और अगर कल को किसी लॉ की जानकारी चाहिए या कोर्स करना है इंसॉल्वेंसी का, तो कौन करवाएगा आपको कोर्स? किसके थ्रू होता है ये? आईबीबीआई कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। इसने लाइसेंस किसको दे दिया है? प्रोफेशनल एजेंसीज को दे दिया है। ध्यान रहेगी बात? यस। क्लैरिटी है कंसेप्ट में कि नहीं है ये बताओ? आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ दो यार, एक मिनट। इसको 12 नहीं है, 10 है यार, ये 10 है, मेरी गलती। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में, ठीक है। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के पास सारी वही पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। किसके पास होती है? सिविल कोर्ट के। जैसे मतलब किसी को नोटिस देना, एविडेंस मंगवाना एक्सेट्रा, ये सारी पावर है। यहाँ पर इस बोर्ड में एक चेयरमैन होगा, चेयर पर्सन होगा और 10 मेंबर होंगे जिनमें से 3 होल टाइम मेंबर होंगे। कैसे मेंबर होंगे? कैसे मेंबर होंगे? फुल टाइम मेंबर है तो फुल टाइम देंगे। पहले बताओ, इतनी बात में सिर के ऊपर से गई कि समझ आई? आईबीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, इनकी पावर एक सिविल कोर्ट की तरह है, मतलब ये मैटर्स हैंडल कर सकते हैं। पर किसके सिर पर बैठे हैं, किसके मैटर्स को हैंडल करेंगे ये? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के, तीन के ऊपर इनका बस चलता है, मतलब तीन को ये सुपरवाइज करते हैं। पहले बताओ कोई दिक्कत इस बात में? क्या बेटा? टेन है वो मेरे मैंने गलती से बोल दिया बात, वो 10 है, ठीक है। 10 में से 3 होल टाइम रहेंगे। ध्यान रहेगी बात? चलो अब इसके क्या क्या फंक्शंस है बोर्ड के, ये आप एकदम अच्छे से खुद पढ़िए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये फटाफट मेरे को पढ़ के दो फंक्शंस, ये आप पढ़ के दो मेरे को। अब पढ़ लोगे, कोई ना समझ आए तो मुझे बताना, सर ये फंक्शन नहीं समझ आया हमको।
एकदम आराम से पढ़ दो। सर सेकंड वाला क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन? भाई तेरे का भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोर्स करता है, कर पाएगा क्या अभी? अभी कर पाएगा क्या? इनका क्राइटेरिया ये डिसाइड कर देते ना भाई कि अगर आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर हो तभी कर पाओगे, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दी हुई तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। इतने पॉइंट भैया मेरे को पढ़ के दो तुम पहले। फंक्शंस ऑफ आईबीबीआई आया तो देख लो, ये फंक्शन है, ये करना है। जब हो जाए तो बोलना यस सर हमने पूरा पढ़ डाला है, आप आगे बता दो तो मैं अगला बता। सर ई वाला पॉइंट बताइए। कौन सा? अरे क्या करिकुलम होगा तेरा, सिलेबस क्या होगा, ये डिसाइड करके देता आईबीबीआई। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम देगा ना तो कैसा पेपर आएगा, क्या सिलेबस होगा उसका, पेपर एमसीक्यू आएगा कि डिस्क्रिप्टिव आएगा, ये डिसाइड करके देते भी है। करिकुलम डिसाइड करते हैं। बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा है, ये कोर्स कर देने के बाद काम मिलने लग जाए तो बहुत बहुत कमाई है इसमें। कुलजीत कितना पढ़ दी बेटा? पंकज हो गया भैया, आईबीपीआई के लिमिटेड फंक्शन पढ़ना, बहुत सारे भी हैं, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा पिलर कौन सा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमने किसको बनाया हुआ है? एनसीएलटी को बनाया हुआ है ताकि वो पूरा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन करके दे, मतलब उसका ऑर्डर दे और कंपनियों का लिक्विडेशन करवाए। बताइए इस बात में कोई तकलीफ है क्या? इस बात में कोई तकलीफ है? यहाँ पे एडजुडिकेटिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग होता है, याद रखना। क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। तो नेशनल कंपनीज और ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट इसलिए किया गया ताकि वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस को पास करवा सके, या कॉर्पोरेट पर्संस का मतलब कंपनियों का, किसको, किसका, कंपनियों का लिक्विडेशन करवा सके। आप बता दीजिए कहीं कोई दिक्कत? सिमिलरली डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहेगी इंडिविजुअल और फर्म के लिए। कौन रहेगा? डीआरटी। डीआरटी का नाम आपने कभी ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं, ये बैंकों की बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल। जो लोग बैंक में डिफॉल्ट कर देते हैं उनसे पैसा वसूली का काम डीआरटी करता है। कौन करता है? डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल करता है। अब दोनों का फंडा मैं सिखा दे रहा हूँ। जैसे तुम कंपनी हो तो तुम्हारा इंसॉल्वेंसी का मैटर कौन निपटाने वाला है? एनसीएलटी। अगर तुम इंडिविजुअल हो तो कौन करेगा? डीआरटी करेगा। तुम यदि इनके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो यहाँ पर तुम अपील करने जा सकते हो एनसीएलटी के पास। किसके पास अपील करने? एनसीएलएटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। किसके पास? और अगर डीआरटी में भी सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम आगे अपील करने जा सकते हो ड्रैट के पास, डीआरएटी के पास, डेप्थ रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। कोई तकलीफ नहीं? अगर इन दोनों के अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों से भी खुश नहीं हो तो 45 दिन के अंदर तुम अपने मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट।
तो पहले तो दिमाग में बिठा दो, कंपनियों का इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कौन बनाता है? एनसीएलटी करता है, और इंडिविजुअल्स का कौन करता है? डीआरटी, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल करता है। इस बात में कोई तकलीफ तो नहीं है? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। ये अपील कितने दिन में करनी है और कहाँ करनी है ये याद रखना, थोड़ा सा भूलना मत। तीसरा पिलर हमारा कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। क्या कौन है? इंसॉल्वेंसी। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ पढ़ के देखो मेरे को और बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। पढ़ के बताओ समझ आया कि नहीं है? हाँ या ना? कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का मतलब ये है कि कम से कम प्रोफेशनल्स लोग को अब इंटरेस्ट आए यहाँ पे। आप सीए हो, आप सीएमए हो, आप सीएस हो, आपस में तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है कि नहीं है? सब लोग कोर्स को करो, देश में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सब बनो, यही तो चाहता है। बात समझ आई? तो हमारे बीच सीए सीएस सीएमए के बीच का कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है? ये पढ़ भाई, रोमन में फोर पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, ये चौथा पिलर है, इसके बारे में पढ़ो, ये तुम लोग को करना है, पढ़ो। मतलब तो समझा दिया हूँ। तो जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, उसने लाइसेंस दे दिया, उसकी सब्सिडरी भी है जो इंसॉल्वेंसी का कोर्स कराती है। तुम लोग कोर्स कर दोगे तो तुम लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओगे। सही आईबीबीआई के डाटाबेस में ना आपका नाम एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लोड हो जाता है, नोट हो जाता है, ठीक है? अब क्या होता है कि जब आपके जैसे कल को प्रोफेशनल बनोगे तो बहुत सारे क्लाइंट होंगे। अब कोई क्लाइंट अगर इंसॉल्वेंसी के मैटर में फंसा है तो आप उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग निपटा सकते हो। आप अपॉइंट हो जाओ उसके पास कि मैं आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है? जैसे अभी भिलाई में मैं आपको बता रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल्स करके चलता था, नाम सुने हो के? हॉस्पिटल्स करके चलता था। तो ये एक मेहता मेहता करके मुंबई की फर्म है, उन्होंने इसे अपना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रखा और अपना पूरा दिवाला निकलवा दिया। दिवाला निकलवाने का नाम बदला और हाईटेक हॉस्पिटल के नाम से अब हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो इसका स्कोप यही होता है कि अगर आपके क्लाइंट हैं और वो कहीं ऐसी मुसीबत में फंसे हैं तो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट उठा दो। और इसकी फीस बहुत जबरदस्त रहती है, 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम जाती है एक रिजोल्यूशन प्लान को करवाने की। तो ये सेम वही है कि आपके सर्टिफिकेशन आ गया तो आप एलिजिबल हो। क्लाइंट अगर आपसे करवाना चाहे तो आप पूरा उसका रिजोल्यूशन प्लान बना के दे दो, उसका पूरा मैटर निपटा के दोगे। बात समझ आई? ये भैया पांचवें पर्सन के बारे में तुम लोग पढ़ लो। पांचवा पिलर जो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ो और थर्ड पैराग्राफ पढ़ो, इसमें कोर सर्विस को मैं समझाता हूँ, लेकिन पहले ये पढ़ दो। पढ़ दिए क्या? ठीक। अब कोर सर्विसेज इसमें आती हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के वो सर्विसेज जहां पर ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं? सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्यूरेट रिकॉर्डिंग अपने पास रखते हैं, ठीक है? ये बेसिकली हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और एट लास्ट अगर आईबीबीआई का कोई पर्सन जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, अगर उसे कोई जानकारी चाहिए तो यूटिलिटी प्रोफेशनल उसको जानकारी देगा, या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी प्रोफेशनल उसे वो जानकारी देगा। ये कौन सी जानकारियां हैं? तो जितनी कंपनियां इंसॉल्वेंसी मैटर लेकर आती हैं
उनका सारा रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अपने पास रख देते हैं, ताकि कल को इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अगर मदद की जरूरत पड़े, उसे कोई जानकारी देनी हो, तो वो ये जानकारी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज से दे सकता है। किससे दे सकता है? फिर से बोलो भाई, जितने भी इंसॉल्वेंसी मैटर्स आते हैं ना, उनका ये पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो अगर मैं एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ, मेरे को इंसॉल्वेंसी में मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो इनकी कोर सर्विसेज में ये आता है कि इनके सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इंसॉल्वेंसी रिलेटेड, ये मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी की जानकारी दे सकते हैं, मतलब उसकी पूरी फाइनेंशियल पोजिशन से लेकर सब कुछ बता सकते हैं। मेरी बात समझ आई? यस। तो ये आपका हो गया पांच पिलर खत्म। आईबीबीआई हो गया आपका, आईबीबीआई के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हो गई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गए, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो गई। क्या आपको ये क्लैरिटी है, हाँ या ना? यस सर। तो चैप्टर का आपने 25% हिस्सा खत्म किया, और क्योंकि आज पहली क्लास थी तो मैं चाहता हूँ आप इतना ही पढ़ो आज इसको। कर पाओगे? कल परसों और आज का तीन वीडियो भेज रहा हूँ, ये 2:20 के भेजूंगा, ठीक है?